हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का अपना नया भर्ती निकल के आ गया है, हिमाचल पुलिस 2021। ठीक है, हिमाचल पुलिस 2021, इसके बारे में पूरी नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लिए हैं और इसकी पूरी डिटेल शुरू से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर फाइनल तक भी, फाइनल सिलेक्शन आपको दिलवाना है उस वीडियो में देखिए। ठीक है जी, तो चलिए इसकी अगर पोस्ट की बात करें, हम पब्लिश डेट की बात करें, स्टार्ट डेट 1 अक्टूबर 1/10/2021, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ है फॉर्म डेट और इसका लास्ट डेट है 31/10/2021। क्लियर है? 31/10/2021, यानी 31 अक्टूबर 2021 के फॉर्म लास्ट तक फिल कर देना आपको। ठीक है जी, तो कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा पोस्ट के बारे में। क्या पोस्ट के बारे में? पोस्ट में है मेल जीडी का है पोस्ट 932, मेल जीडी का 932 और मेल ड्राइवर का है 91। क्लियर है? मेल मेल में ही दो प्रकार की वैकेंसी है, एक जीडी है जनरल ड्यूटी का, ठीक है, वो है 932, ठीक, और एक है 91, और ओनली फीमेल का है। फीमेल में भी ओबीसी एससी सब आ जाएंगे, ये बाद की बात है। फीमेल का है 311, फीमेल का 311, टोटल क्वेश्चन है 1334। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके एज के बारे में, एज के बारे में, एज अगर एज की हम बात करें तो मेल का है, मेल जनरल ओबीसी जनरल का है 1825, जनरल का 1825, और मेल ओबीसी का ही है, ओबीसी और एससी का कितना है 1827, 2 साल का प्लस माइनस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और फीमेल का भी है, फीमेल का भी है 1827। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके एज हो गया आपका, क्वालिफिकेशन तो 12 ही रहेगा, क्वालिफिकेशन 12th है। फीस के बारे में बात कर ले, फीस सबका है ओबीसी केवल जनरल का है 300 रुपये, जनरल का है 300 रुपये, ओबीसी और एससी का है 150 रुपये, ओबीसी और एससी का है 150 रुपये, और इसी में फीमेल का भी है 150 रुपये। जितने फीमेल हैं उनके है, फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा चांस है, गुड चांस है। अब इनकी बात कर लें तो थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रूल है इनका, सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिए, 311 यहीं रहने दो। सिलेक्शन प्रोसेस पहले हाइट इनका मापा जाता है, ठीक, हाइट मिनिमम मेल की और फीमेल दो हो गए, ठीक, मेल का हो गया 5 फुट 5 फुट 6 इंच और फीमेल का हो गया 5 फुट 2 इंच, इनसे तो कम होने ही नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम रेंज इतना है, ठीक, और हाइट पे आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ही का रूल है, हाइट 5 नंबर का हाइट पे नंबर मिलेगा आपका, 80 नंबर एग्जाम का होगा, फाइनल सेक्शन की बात कह रहा हूँ, 15 नंबर वो होगा जो एनसीसी वाले हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, ठीक, एनसीसी वाले हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, एथलेटिक्स वगैरह हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, ठीक है जी, एक्स सर्विस, ये सब मिला के 15 नंबर, ये टोटल हो गया कितने, 100, 100 नंबर का लास्ट में मेरिट बनेगा। इसमें अब एग्जाम की बात है तो एग्जाम की बात कर लेते हैं, हाइट ये हो गया, इसमें छूट भी है, अगर ओबीसी और एससी की बात कर लें तो 5 फुट 4 इंच है, ठीक, ओबीसी ओबीसी और एससी 5 फुट 4 इंच, और जनरल के लिए क्या है 5 फुट 6 इंच मेल में, और इसमें क्या है 5 फुट, टोटल क्या है 5 फुट 0 इंच, किसमें, फीमेल में, ओ एससी और ओबीसी, ठीक है, लिखने कोई जरूरत नहीं, लिख देते हैं ओबीसी एससी, ठीक है, ये भी ओबीसी एससी, ये हो गया जनरल 5 फुट 6 इंच, ये तो अनिवार्य ही है। अब इस पे ज्यादा जितना हो जाए 5 फुट 7 8 9, 5 फुट 9 10 11 में जितने जाते हैं, 5 5 नंबर तक है इसका, कितना 5 नंबर तक आपको मिलेगा, ठीक है, हाइट की बात होगी। अब बोलते हैं रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं, एग्जाम की बात, एग्जाम में क्या होगा, इससे पहले ना हाइट के पास है पीएसटी, पास है पीईटी होता है, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दौड़ होता है, जैसे कि इसमें मेल का है ना 1500 किलोमीटर दौड़ है, 1500 मीटर 1 किलोमीटर 500 मीटर, यानी कि
इसको आपको क्वालिफाई करना है 6 मिनट 30 सेकंड में मेल के लिए, और यही फीमेल के लिए 800 इसका मिनट, इसका मिनट भी है 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक क्लियर है। 1500 का भी 6.5 मिनट में आपको क्वालिफाई कर देना है मेल के लिए, और 800 मीटर सेम थोड़ा कम हो जाएगा 700 मीटर, किसके लिए फीमेल के लिए लिख देते हैं आगे, फीमेल के लिए 800 मीटर 6.5 मिनट में क्वालिफाई करने हैं। और पहले तो हो गया दौड़ हो गया ठीक, दूसरे क्या होगा हाई जंप, वो क्या है लॉन्ग जंप। हाई जंप में क्या है, हाई जंप में आपका 1.2 मीटर 1.25 मीटर, और लॉन्ग जंप में 4 मीटर, इसके लिए क्लियर हो गया। 1.25 मीटर और लॉन्ग जंप 4 मीटर, ये आपको क्वालिफाई करना है। ये 3 मतलब रेस हो गया आपका, ये 1500, और ये आपका हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप, ये तो अनिवार्य है, ये आप पास करोगे तो ही जाओगे आप इसमें एग्जाम में। एक मिनट थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम की बात कर लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है एग्जाम में अगर, हाँ उसके बाद एग्जाम में जाओ। एग्जाम में क्या है, हिंदी है, हिंदी आएंगे 16 क्वेश्चन ठीक, इंग्लिश, इंग्लिश आएंगे 16 क्वेश्चन, जीके का आएंगे 16 क्वेश्चन, रीजनिंग आएंगे 16 क्वेश्चन ठीक, हिंदी रीजनिंग जीके, और एक और हो गया हिंदी इंग्लिश जीके रीजनिंग, और एक आपका हो गया मैथ, मैथ तो छूट रहा था भाई, यही तो सिलेक्शन दिलवाता है मैथ, ठीक है जी। ये आपके आएंगे 100 नंबर का क्वेश्चन होगा 16 पे, ठीक है। एग्जाम हो गए, हिंदी हो गया 16 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश आएंगे 16 क्वेश्चन, जीके आएंगे 16 क्वेश्चन, रीजनिंग आएंगे। एक जीके में एक क्वेश्चन जैसे कि अभी करंट अफेयर्स में पूछेगा, हिमाचल प्रदेश के अभी रिसेंटली में है वो अटल सुरंग भी हुआ, वो तो छोड़ो ठीक है। अभी धर्म धर्म जबरन जबरन धर्मांतरण को लेकर एक खिलाफ एक कानून बना है ठीक है, ये रिसेंटली हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन है। ये दूसरा भी ओवर है, श्री जयराम ठाकुर है सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन पूरा विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन की अगर बात करें ना तो वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये काफी 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 बड़ी, ये देखो हिमाचल श्री क्या श्री राम जो गैस कनेक्शन की बारे में बात करूँ, गैस कनेक्शन घरों में सबसे पहले गैस कनेक्शन पूर्ण रूप से कराने वाले क्या है, हिमाचल ही है ठीक है, हिमाचल है ठीक है। तो हिमाचल के बारे में आगे अगर इसके बारे में पूरी डिटेल चाहते हैं, पूरी सिलेक्शन पूरा ये जितने अपने हैं ये हिंदी इंग्लिश जी पूरी अपनी इस यूट्यूब पे हमारे चैनल में पढ़ाई जाएगी, आप प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ठीक है जी। तो ये तो बात की बात है, और बात कर लेते हैं, हो गया श्री राम जयराम ठाकुर जी हैं, चेस्ट वेस्ट बात होगी, लाइव हम हो गया ठीक है, इसके बारे में बोला बोल वो कहानी खत्म हो गया। बस आपको ध्यान देना है कैसे सिलेक्शन करना है, और यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे वाले नोटिफिकेशन मैं तुरंत दे दूं, और जो भी सिलेक्शन होगा अभी तो ये निकल गई है, अब इसके बाद से आपका सबसे पहले क्या होगा, पीएसटी होगा, पीएसटी में क्या होगा हाइट वाइट वगैरह हो जाएंगे ठीक है, हाइट में हो जाएंगे, तो उसके बाद से एग्जाम होगा, जब हाइट पास होगी तब एग्जाम, एग्जाम में आपका एग्जाम होने के बाद से एक मेरिट लिस्ट बनता है ठीक है, तब आपका दौड़ उड़ होगा, ये सब प्री प्रक्रिया हो जाएगी ठीक है जी। चलिए अब इसी के साथ ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे नोटिफिकेशन हम आपको तुरंत देते रहेंगे, और इसे बताते रहेंगे कैसे क्या, ऐसी भर्ती हम हर बार लाते रहते हैं ठीक है। ओके जय हिंद।